हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास फिफ्थ। वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट। द बुक नेम इज स्टेप इनटू ई वर्ल्ड। दिस इज योर कवर पेज ऑफ योर कंप्यूटर बुक, स्टेप इनटू ई वर्ल्ड। सो इन कंप्यूटर the first chapter is how computers evolve। इस chapter में हम ये सीखेंगे early calculating machine, evolution of modern computer और third point सीखेंगे characteristics of computers। I think you have already started this chapter, so I will just go through it and revise this concept again. Okay, so you see, you know that a computer is mainly designed to first accept data and instructions, second store data and instructions, third process data according to the given instructions to produce output. So with the help of one example, we will understand these three steps. तो यहाँ पे मैंने एक example लिया हुआ है, मैंने एक system draw किया हुआ है। इस सिस्टम में हम अगर देखते हैं, पहला पॉइंट है एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो हमारा सिस्टम जो कंप्यूटर है बेसिकली क्या करता है, इट इज डिजाइन मेनली फॉर व्हाट, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के। तो मतलब ये कि हम डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एज एन इनपुट देंगे उस सिस्टम को। तो यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने वन और टू यहाँ पे एज अ डेटा लिया है और इंस्ट्रक्शन दिया है प्लस का। तो हमारे सिस्टम का अब क्या काम है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। हमारा सिस्टम क्या करेगा, ये जो हमने डेटा दिया हुआ है उसको स्टोर करेगा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस द आउटपुट। हमारा सिस्टम डेटा को प्रोसेस करेगा, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, इसलिए हमें आउटपुट देने के लिए। तो यहाँ पे वन प्लस टू, वन प्लस टू क्या हुआ, थ्री। तो थ्री एज एन आउटपुट यहाँ हमारा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली बनाया ही गया है कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। तो जो जितने साइंटिस्ट थे पहले, उन लोगों के लिए कैलकुलेशंस बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। तो इस कैलकुलेशंस को करने के लिए उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया, ये कंप्यूटर मशीन बनाई जो उनके लिए आसानी से कैलकुलेशन कर सके। यहां आगे देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर डिड नॉट टेक प्लेस सडनली, इट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। It is interesting to know the origin and rising steps in the development of the computer. तो जो कंप्यूटर वो अचानक से नहीं आया है, इसको विकसित होने में हजारों साल लग गए। हम लोग अगर देखते हैं, अगर समझते हैं आगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। आगे हम लोग और पढ़ते हैं ताकि हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर कितने साल पहले आया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसके पहले लोग कैसे करते थे। कैलकुलेशंस तो उस समय भी होती थी, लेकिन कैसे, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन, पहले कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाता था। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। आज का जो कंप्यूटर है और जो पहले का कंप्यूटर है, दोनों में बहुत अंतर था। इन अर्ली डेज मैन यूज्ड फिंगर्स, स्टोन्स और बोन्स ऑफ एनिमल्स टू काउंट। पहले शुरुआती दिनों में मनुष्य क्या करता था, उंगली पे कैलकुलेशन करता था, छोटे छोटे पत्थरों से करता था, बोन्स जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उससे करते थे। तो कैलकुलेशन करने के सबके अपने अपने तरीके थे।
With the development of civilizations, people invented some calculating devices which made it easier to count numbers quickly. जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपने लिए एक डिवाइस बनाई कैलकुलेट करने के लिए, जो नंबर्स को आसानी से काउंट कर सके। ठीक है, जो शुरुआती दौर के जो कंप्यूटर्स थे उसमें सबसे पहले था एबकस। एबकस का इस्तेमाल होता था एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। आज भी हम लोग अपने लोअर क्लासेस में एबकस यूज करते हैं लर्न करने के लिए, है ना। उसके बाद नेपियर्स बोन्स बनाया गया था। उसके बाद पास्कलीन बनाया गया था। फिर थोड़ा और बड़ा डिफरेंस इंजन बना, एनालिटिक इंजन बना। आइए, ये पांच अलग अलग डिवाइसेस बनाए थे लोगों ने, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एबकस एबकस वाज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड टू सॉल्व लार्ज कैलकुलेशंस। एबकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको इन्वेंट किया गया था बड़ी और लंबी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। इट वाज डेवलप्ड इन 16th सेंचुरी इन चाइना। इसका विकास कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में चाइना में। इट वाज यूज्ड टू डू सिंपल कैलकुलेशंस। इसका इस्तेमाल छोटे कैलकुलेशंस के लिए होता था, सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of numbers by moving its beats up and down. इसको इस्तेमाल किया जाता था कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसका तरीका यह था कि इसमें इमेज में आप देख रहे हैं जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसमें आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इसमें जो गोल गोल बने हुए हैं उसको बीट्स बोलते हैं। ये बीट्स को आप आगे पीछे करके कैलकुलेट कर सकते थे। कुछ एबकस ऐसे होते हैं जिसमें वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन का मतलब खड़ी लाइन होती है, उसमें जो बीट्स होते हैं उसको आप ऊपर और नीचे करके उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है एबकस, जो पहला डिवाइस बना था कैलकुलेट करने के लिए। इन 1616 सर जॉन नेपियर डेवलप्ड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोन। 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक डिवाइस बनाया, कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया, जिसका नाम नेपियर्स बोन कहा गया। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर द हिंदू अरबिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। ये पहला ऐसा डिवाइस था जिसके ऊपर हिंदू अरबिक नंबर्स के नोटेशंस थे। द डिवाइस वाज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ 12 आइवरी स्ट्रिप्स। ये डिवाइस 12 आइवरी स्ट्रिप से बना हुआ था। आइवरी स्ट्रिप क्या होता है? हाथी के दांत की स्ट्रिप, गोल गोल इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये 12 आइवरी स्ट्रिप से बना हुआ था। इट वॉज कॉल्ड नेपियर्स बोन्स बिकॉज इट हैड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इंस्क्राइब्ड एज स्ट्रिप्स ऑफ वुड और कार्ड ऑन बोन। इसको नेपियर्स बोन्स इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ऊपर या तो लकड़ी का स्ट्रिप होता था, या फिर हड्डियों का होता था, या फिर हाथी के दांत का। आइवरी स्ट्रिप मतलब हाथी के दांत, और उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स लिखे होते थे उकेर के, इसलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स कहा गया। ठीक है, आइए इस चीज को, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि नेपियर्स बोन्स का कैलकुलेशन कैसे होता था इस डिवाइस का। इसमें देखिए ये जो इमेज है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेपियर्स बोन के तरीके को समझा रहा है। जैसे हमने 1 to 9 वर्टिकल लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें देखिए क्या किया गया है कि जो इसका
इसके सामने सामने जो स्क्वायर टेबल बनाया गया है, कॉलम्स और रोज बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 है, ठीक है, 3 का ये पूरा इसमें टेबल लिखा हुआ है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो जो 1 और 2 है उसको डिवाइड करके डायगनल, मतलब उस बॉक्स को डायगनली कट करके 1 और 2 को लिखा गया, जैसे यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 7 और 2 इसको डायगनली कट करके लिखा गया, वैसे ही सारे टेबल को किया गया, जहाँ पे सिंगल डिजिट है उसमें 0 डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये बेसिकली बोन्स के उस पे बनाया जाता था, और जैसे बोन गोल होता है वैसे ही उसको अलग अलग उसके हिस्से होते थे, और उसके थ्रू इसका कैलकुलेशन होता था। जैसे कैलकुलेशन लेते हैं और उसको देखते हैं, जैसे 9 2 7 और 1, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा देखते हैं, 9 2 7 n into 7। तो इसमें देखिए जितने भी इसके सामने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 63 है, 6 और डायगनली डिवाइड करके 6/3 किया गया है, फिर 14 है, 14 को 1/4 किया गया है, फिर 49 है, 4/9 किया गया है, ठीक है, उसके बाद 0/7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 7 लिखेंगे और 0 और 9 डायगनली ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, फिर 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर 6 को लिखेंगे। 9 2 7 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6 4 8 9 7। पास्कलिन इन 1641, ब्लेज पास्कल अ ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर इन्वेंटेड पास्कलिन। 1641 में ब्लेज पास्कल एक महान गणितज्ञ और फिलोसोफर दार्शनिक थे, जिन्होंने पास्कलिन डिवाइस का इन्वेंशन किया। द पास्कलिन हैड गियर्स एंड लीवर्स विच कुड बी मूव्ड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। जो पास्कलिन डिवाइस था उसके अंदर गियर, लीवर, इस टाइप से अरेंजमेंट था, जिसके ऊपर से ये नंबर को ऐड कर सकता था या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता था। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। तो ये पास्कलिन जो है, जो डिवाइस है, ये ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मशीन कैसे दिखती थी। आइए ये देखिए, ये डिवाइस है ब्लेज पास्कल की, पास्कलिन डिवाइस, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, और इसके अंदर ऊपर जो डायल लगा हुआ है, और 5 डायल दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपको 5 वाइट डिस्प्ले सिस्टम दिख रहा होगा। इसमें मान लीजिए मैंने लिया 6 थर्ड डिजिट पे, सेकंड पे भी मैंने लिया 6, अब मुझे ऐड करना है 6 6, ठीक है, 6 6 0 को। अब इसमें ऐड करना 60, मान लीजिए मैंने इसको 6 किया, यहाँ 0 ऑलरेडी है, ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो डेटा उसमें स्टोर हो गया, अब 60 स्टोर हो गया। अब टोटल इसको मैं जब राउंड करूँगा, हाँ अभी ये ऐड हो गया, अब यहाँ क्या गया 7 2 0, मतलब मैंने ऐड किया 60 6 6 0 प्लस 6 0, मतलब 660 में 60 ऐड किया तो ये आ गया 7 2 0, 720, आप ऐड करके देख लीजिए। ये इनके डिवाइस से इस तरीके से कैलकुलेशंस होते थे। डिफरेंस इंजन इन द 19th सेंचुरी, चार्ल्स बेबेज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन डिजाइंड अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन दैट कुड डू कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिजाइन किया एक मशीन जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। यह मशीन सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर सकती थी। फॉर द कंट्रीब्यूशन
इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उनके इस कंट्रीब्यूशन के चलते, जो इन्होंने इतना सारा बनाया इसके चलते, उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। जैसे हम लोग जानते हैं जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद डिफरेंस इंजन को और मॉडिफाई करके बनाया गया, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज आल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन दिया, विच हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स एज द मॉडर्न कंप्यूटर, जिसके अंदर वो सारी बेसिक चीजें हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर में आज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। हमारे जो भी नए कंप्यूटर है उसमें इनपुट आउटपुट है और वो स्टोर होता है उसमें मेमोरी। विद द एडवांसमेंट इन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, उसकी तरक्की हुई, उसके इन्वेंशन में, देयर वेयर कंप्यूटर्स विच वेयर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी दे यूज। जैसे जैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन में विकास हुआ, वैसे वैसे कंप्यूटर को अलग अलग क्लासिफिकेशंस में उनकी टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज हो रही है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में था, और अभी तक जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, आइए आगे इसको इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं कि कैसे डिफरेंस इंजन काम करता था और एनालिटिकल इंजन काम करता था, कैसे इसको इसकी बनावट क्या थी। ये चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन है। इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते थे। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं और उसके अंदर नंबर्स हैं। ये देखिए, ये एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये लोग कैलकुलेशंस होती थी। इस मैकेनिज्म के थ्रू ये देखिए, यहाँ पे गियर है, इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है? ये सेट होता था जब इस मशीन को चलाया जाता है। और ये मशीन भाप से भी चलती थी, मतलब स्टीम इंजन से भी ये मशीन चलती थी, और पेपर इस पे प्रिंट किया जाता था अपने कैलकुलेशंस की एंट्री करके। ये जो डिवाइस है, ये देखिए, यहाँ पे पेपर प्रिंट करने का दिख रहा है रोलर, इसके ऊपर ये प्रिंटिंग होके आ रही है। तो ये था चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। तो इस क्लास में हमने काफी सारी चीजें सीखी, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो अभी की क्लास की चीजें हैं जो याद रखने के लिए हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर हमारे लाइफ में इवॉल्व हुआ। उसके बाद अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन, कौन कौन सी मशीन्स जो शुरू में बनाई गई थी कैलकुलेशन के लिए, जैसे एबकस है। एबकस 16 सेंचुरी में डेवलप किया गया था एक चाइनीज के द्वारा। उसके बाद नेपियर्स बोन्स बना था, नेपियर्स बोन्स 1616 में बना था बाई सर जॉन नेपियर के द्वारा। नेपियर बोन इसका नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो नेपियर्स बोन बनाया था वो या तो लकड़ी पे या फिर बोन्स पे कार्विंग करके बनाया जाता है, और ये इस पे मैथमेटिकल टेबल्स लिखे होते हैं, इस तरीके से लिखे होते हैं कि उसको अरेंज करने पे हम कैलकुलेशंस कर सकते थे, कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। पास्कलिन, पास्कलिन में 1641 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ये मशीन ऐसी थी कि इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि इसमें गियर का भी इस्तेमाल किया गया था और मैकेनिज्म इसमें पहले लाया गया था। इसके बाद उससे एडवांस जो आया वो 19th सेंचुरी में आया, डिफरेंस इंजन जिसका नाम दिया गया, और वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा लाया गया। चार्ल्स बैबेज ने इसको इस तरीके से बनाया कि ये
सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी, एडिशन भी कर सकती थी, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती थी और डिवीजन भी कर सकती थी। इसके बाद इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया और उसका नाम हुआ एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया, और इस एनालिटिकल इंजन में चार्ल्स बेबेज ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ जो मॉडर्न कंप्यूटर की बेसिक चीजें हैं, जो जनरल पर्पस चीजें होती हैं, प्लस स्टोरेज मतलब मेमोरी स्टोर करने के लिए, ये सारी चीजें इसमें उन्होंने दी थी, जिसको हम प्रिंट करते थे पेपर पे। तो ये अब तक के क्लास में हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट करने वाले चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि 19th सेंचुरी में उन्होंने जो कंप्यूटर दिया था, जो बेसिक चीजें आज मॉडर्न कंप्यूटर में है, उन्होंने ही दी थी, तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीजें हमने रिवाइज भी कर ली हैं। वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का इसमें टास्क है कि आप लोग एबेकस के बारे में, नैपियर्स बोन्स के बारे में, पास्कलिन के बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में और एनालिटिकल इंजन के बारे में अपने नोटबुक में लिखेंगे और ये शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।